Hello friends, welcome to Shukla Classes. Today's topic is types of security attacks. Complete topics जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो चलिए शुरू करते हैं. Let's begin. First point होगा हमारा types of security attacks. कितने तरीके के होते हैं security attack? तो security attacks मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो कि निम्न है. पहला अटैक है हमारा पैसिव अटैक और दूसरा है एक्टिव अटैक. तो पहले जानेंगे कि पैसिव अटैक क्या होता है. पैसिव अटैक जो है वह अटैक होता है जिसमें एक अटैकर अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड तरीके से दो सिस्टम को मॉनिटर करता है और जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन दोनों सिस्टम के मध्य ट्रांसमिट हुए हैं उनको सिर्फ मॉनिटर करता है परंतु मैसेज को मॉडिफाई नहीं करता है. तो पैसिव अटैक का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड को चुराना होता है और कोई उनका उनका और मोटिव नहीं होता है, उससे देखना होता है. अगर इसे ग्राफ के माध्यम से समझें तो क्या होता है पैसिव अटैक. ऐसे एक बॉब ने एलिस को मैसेज भेजा कुछ इंटरनेट के थ्रू, अदर कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू. तो वो अगर एक डार्थ नाम का एक बंदा है जिसने उसे एक्सेस कर लिया उस इन्फॉर्मेशन को जिसने उसने सेंड की और उसने उसे पढ़ लिया, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, जो पैसिव अटैक होता है. लेकिन जो एक्टिव अटैक होता है ये इसके अपोजिट होता है. एक्टिव अटैक वह अटैक होता है जिसमें अटैकर दो सिस्टम के मध्य मैसेज को ट्रांसमिट करता है तथा उन मैसेज को मॉडिफाई करता है. अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है तो वो उस मैसेज में कर सकता है. उन मॉडिफाइड मैसेज को व्यक्ति को भेज दिए जाते हैं, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि ये मैसेज कोई अटैकर भेज रहा है या फिर तथा यह मॉडिफाइड है, तो उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता. इसको ग्राफ के माध्यम से अगर समझें तो कहने का मतलब ये है कि बॉब ने एक मैसेज भेजा एलाइस को इंटरनेट के थ्रू या किसी अन्य फैसिलिटी के थ्रू, तो वो डार्थ के पास गया और डार्थ ने उसे बीच से ही एक्सेस कर लिया और उसमें जो मॉडिफिकेशन करना था वो मैसेज इनकरेक्टली उस पर एलाइस के पास तक सेंड कर दिया. उसमें थ्री जगह पे हमारा डाइवर्जन हो गया. तो ये होता है एक्टिव अटैक्स. तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी से हेल्प कर सकते हैं अटैक्स के बारे में और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में समझने के लिए. और कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो. और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को हमेशा अपडेटेड रहने के लिए, और हिट करें बेल आइकन को अपडेट रहने के लिए हमारी नोटिफिकेशन.